Hello everyone, my name is Meenakshi Chaudhary and once again I am back with another English demo class from NCERT book and it is Mridang, right? And I don't remember the unit but the chapter name is Seeing Without Seeing. This is chapter 2, okay? So, here I am going to start my demo class and aap ko jo bhi tarika achha lag raha hai us tarike se is chapter ko start kar sakte hai, okay? So, I'm going to start. Good morning to all of you. Very good. Now, you all take your seat. Sit down. How are you all? Fine. Very good. Okay. Yes. What is the date today? Today is? Yes, 13th. And which month is going on? It is September. Very good. Very good. No one will stand. All of you take your seat. Today, ma'am is going to tell you something very interesting. And ask you also, पूछने भी वाली है और आपको कुछ सुनाने भी वाली है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा. ओके, सो आर यू ऑलरेडी रेडी? ओके, सो डू वन थिंग, एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लो. मैम भी करेंगे, आप भी करेंगे. ओके, मैम ने अपनी आईज क्लोज कर ली है, अब आप भी क्लोज कर लो. मैम को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख सकते हैं? नो, आप भी कुछ नहीं देख, कुछ तो देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, आंखें बंद करके कुछ भी. ओके, नाउ यू ऑल ओपन योर आईज. यस, अभी मैम ने ना देखो क्लोज किया है. लेट मी टेक अ ब्रेक. आप या तो बच्चों की आईज क्लोज करा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट लाइक इफ यू हैव स्कार्फ और हैंडकरचीफ इन योर पॉकेट और आपके पास में फीमेल टीचर्स है, गले में कोई स्कार्फ ऐसा है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं. ओके क्लास, सी एवरीबॉडी सी हियर, मैम ने अपनी आईज को क्लोज कर लिया है. अभी देखो मैं आपको कुछ भी दिखाई देता है, आई कैन नॉट सी एनीथिंग. ओके, मुझे पता है क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ अंधेरा. आई कैन सी ओनली डार्क, कुछ भी दिखाई नहीं देता, राइट? यस, आप भी क्लोज करेंगे, आपको भी कुछ नहीं दिखाई देगा. यस, ओके, नाउ टेल मी दैट क्या हम बिना देखे भी कुछ देख सकते हैं? बिना देखे भी हम कुछ देख सकते हैं या नहीं? ओके, सो टुडे विल नो, आई डोंट रिमेम्बर द यूनिट बट आप यूनिट यहां पर मेंशन करेंगे एंड दिस इज चैप्टर 2 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज सीइंग विदाउट सीइंग. ओके, रिपीट आफ्टर मैन, व्हाट इज द चैप्टर नेम? इट इज Seeing without seeing, बिना देखे देखकर, okay, right? Let me know one thing. मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ. Suppose I'm going to tell you the story of this chapter. अभी मैम आपको इस chapter की story सुनाएगी, narrate करेगी. But before I start, मैम को ये बताइए, when you sleep at night, जब आप रात को सोते हैं, तो आपकी मामा lights off कर देती हैं, है ना? करती है ना ज्यादातर students. अच्छा, कुछ एक के घर में ओपन रहती है रूम्स पे और कुछ एक बंद करते हैं, अभी बंद करती हूँ. ओके, तो जब मामा लाइट्स ऑफ कर देती है, रूम में अंधेरा हो जाता, बिल्कुल अंधेरा होता है ना. ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, जब रूम में अंधेरा होता है और बाहर से कोई डोर बेल बजाए, घर पे कोई आए, तो क्या हमें आवाज आती है? आती है, राइट. अंधेरा है रूम में और आपके साइड में कोई परफ्यूम लगाकर बैठा है या लेटा है, तो क्या आपको स्मेल आती है? आती है, पर हम देख नहीं सकते. जब तक लाइट ऑन नहीं होगी तो हमें दिखाई नहीं देगा. सो टुडे मैम इज गोइंग टू टेल यू अ वेरी नाइस स्टोरी एंड द टाइटल इज सीइंग विदाउट सीइंग, राइट? सो देयर वाज अ गर्ल नेम्ड उशांगला. उशांगला नाम की एक बच्ची है. शी केम बैक फ्रॉम स्कूल टू होम. वो स्कूल से घर आती है, तो व्हेन शी केम बैक टू स्कूल शी लुक्ड क्वाइट अपसेट. बहुत ज्यादा क्वाइट है, शांत है, अपसेट है. सो हर मदर आस्क हर, हर मदर द गर्ल उशांगला यूज टू कॉल हर मदर आबा. आबा इन अदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज में मदर को ही बोला जाता है. तो बच्ची ने अपनी मदर मदर ने अपने डॉटर को बोला, उशांगला को बोला, दे व्हाई यू आर सो क्वाइट, तुम इतने शांत कैसे हो, आज क्या हुआ? देन हर डॉटर उशांगला रिप्लाइड, लेट मामा, यस आई एम अपसेट टुडे. मैं आज अपसेट हूँ बिकॉज यू नो देयर इज अ बॉय. A boy came to my class. मेरी क्लास में एक लड़का आया है. He is a new. जैसे आपकी क्लास में कोई न्यू बच्चा आए, न्यू कमर, तो इस तरह से सेम ऐसी उशांगला के क्लास में एक बॉय आया है. But you know, mama, he cannot see. वो कुछ देख नहीं सकता.
एंड ही वॉज वेयरिंग ब्लैक ग्लासेस, उसने ब्लैक कलर की ग्लासेस, ब्लैक कलर का चश्मा लगाया था. ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, ही वॉज अनेबल टू डू एनीथिंग. एंड मैम ने उसको क्या किया, मैम ने उसको फ्रंट सीट पर बिठाया और उसको उसके वर्क में हेल्प किया. नाउ आई एम थिंकिंग, मैं ये सोच रही हूँ दैट हाउ ही विल डू स्टडी, वो कैसे पढ़ेगा, हाउ ही विल डू मैनेज, हाउ ही विल मैनेज अभी आगे कंटिन्यू जब क्लास में रहेगा तो वो कैसे मैनेज करेगा. बिकॉज क्यों बोला उसने ऐसे, कुशांगला ने क्यों बोला, बिकॉज द बॉय कुड नॉट सी, वो कुछ भी नहीं देख सकता. ओके, नाउ द मदर अंडरस्टूड दैट यस That is, this is the reason that Ushangla become very upset. ये reason है, Ushangla बहुत ज़्यादा upset. Then you know what her mother did? उसकी मामा ने क्या किया? Her mother tied a scarf on the eyes of Ushangla. Mother ने Ushangla की आँखों पर एक scarf, एक कपड़ा, एक दुपट्टा कुछ ऐसे बांधे. जैसे अभी हम मामा मैम try कर रही थी ना, मैम ने ऐसे बांधा green color का. तो same वैसे ही Ushangla की mother ने भी उसकी eyes पर एक कपड़ा tie कर दिया. Now her mother, Ushangla's mother asked that now hold my hand, okay? मेरा हाथ पकड़ो and let me know, मुझे बताओ that मेरे हाथ में क्या है? What I hold in my hand? मैंने अपने हाथ में क्या पकड़ा है? Then Ushangla said that how can I see? How can I tell you? मैं कैसे तुम्हें बता सकती हूँ? कैसे आपको बता सकती हूँ कि मेरे आपके हाथ में क्या है? Because I covered my eyes. मैंने अपनी आंखों को कवर किया हुआ है. Then her mother told her no, you touch it. आप इसको टच करो और बताओ. देन Ushangla said it looks like very soft, है ना? It is very soft which you have in your hand. आपके हाथ में जो है मामा वो तो बहुत ही सॉफ्ट है. But I don't know what is this. Then her mother told to Ushangla that okay, do one thing, smell it. उसे खुशबू लो, खुशबू से पता चलेगा शायद. Then Ushangla smelled that, उसको smell किया and she quite happy. Oh, it's a flower, rose flower. तो गुलाब का फूल है, बड़ी अच्छी स्मेल है, मैंने बता दिया. Okay, so again, what her mother did? You know what her mother did? Now her mother said that, okay, now tell me that what I hold. अब मेरे हाथ में क्या है? And she had a bell. She shook that bell. It speaks. It sounds like print print. है ना? Bell में से ऐसी आवाज आती है print print. वो उसको shook करती है bell को. Call who? Ushangla की मदर. देन Ushangla लिसन, अब उसकी आईज तो कवर थी, शी कैन नॉट सी, बट शी कैन लिसन द वॉइस ऑफ द बेल एंड शी रिप्लाइड दैट ओ इट्स अ बेल. देन हर मदर टोल्ड टू हर दैट वेरी गुड, यस इट्स अ बेल. नाउ यू नो अगेन व्हाट हर मदर डिड, अब आप जानते हो फिर से उसकी मदर ने, Ushangla की मदर ने क्या किया. अगेन हर मदर ब्रॉट अ ग्लास, उसमें कोई लिक्विड था वो लेके आई एंड हर मदर आस्क्ड टू Ushangla दैट नाउ चेक इट, उसको टच करो और बताओ दैट व्हाट इज दिस. देन Ushangla सेड दैट इट्स अ ग्लास, ओके नाउ होल्ड पुट योर फिंगर इनसाइड द ग्लास. अब ग्लास में अपनी उंगली डाल के मुझे बताओ उसके अंदर क्या है. देन Ushangla सेड इट्स अ लिक्विड, इट मे बी वाटर, इट मे बी मिल्क, इट मे बी टी, ठंडा करके कुछ डाला होगा तो ये हो सकता है, राइट? इट मे बी जूस. Ushangla ने अपना इमेजिनेशन से बताया कि इसके अंदर ये हो सकता है. सो हर मदर टोल्ड हर दैट ओके डू वन थिंग, टेस्ट इट, अभी आप इसको टेस्ट करके बताओ कि इसमें क्या है. देन Ushangla ड्रिंक इट एंड शाउटेड ओ इट्स अ जूस, ये तो जूस है. देन हर मदर टोल्ड हर दैट वेरी गुड, यू गेस वेल, और तुमने बिल्कुल सही तरीके से रिप्लाई किया. ओके, नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स Ushangla's मदर रिमूव द स्कार्फ एंड शी टोल्ड हर दैट नाउ यू कैन ओपन योर आईज, अब तुम अपनी आंखें खोलो. Then Ushangla rubbed her eyes, blinked it and she opened the eyes. Then her mother asked, उसकी मामा ने उसको बोला, now tell me that what is in front of you, तुम्हारे सामने कौन है? Then Ushangla said that it's you mama, my mother. Then her mother told her that very good, it's me. Then she convinced her daughter that it's okay. The boy cannot see, या कोई देख नहीं सकता, but there are so many ways that a person, if a person cannot see, अगर एक person देख नहीं सकता, तो there are so many ways which he or she can use to recognize things, चीजों को पहचानने के लिए वो use करते हैं, like smell कर सकते हैं, सुन सकते हैं, touch करके बता सकते हैं कि ये चीज क्या है, okay? So her mother told her that आपकी class में जो बच्चा आया है, you all have to help that boy, सभी बच्चे मिलकर
साथ में पढ़ाई करना और उस बॉय की हेल्प. ओके, सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? स्टोरी कैसी लगी? ओके, सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? क्या है, हमें क्या जाना इस स्टोरी से? हमने ये जाना, वी अंडरस्टूड दैट यस, इफ अ पर्सन कैन नॉट सी, बट इट डजंट मीन, मे बी डिफिकल्ट होता है उसके लिए चीजों को समझना, पहचान पाना, है ना, लेकिन धीरे धीरे स्लोली स्लोली ही और शी बिकम यूज्ड टू. कैसे वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इफ दे कैन नॉट सी? दे बाय लिसनिंग, बाय स्मेलिंग और बाय टचिंग वो चीजों को थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ओके, सो इट वॉज अ स्टोरी एंड नाउ यू ऑल ओपन योर बुक्स. ओके, सो इन दिस वे यू कैन, आप इस तरीके से स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड आपको बोला जाता है, अगर टाइम मिलता है तो आप बुक रीडिंग कराएंगे, अदरवाइज यहीं पे वाइंड अप करना है. देन यू कैन आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे. तो ये चैप्टर था सीन विदाउट सीन, होप कुछ हेल्प मिली होगी आपको इस वीडियो से एंड फिर से आती हूँ एक वीडियो लेके जल्दी ही. टिल देन कीप वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय.